हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने वाले हैं मुरमुरा नमकीन। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप इसे सुबह में या फिर शाम में कभी भी चाय के साथ इसे खा सकते हैं। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा तेल डाला है, तेल गर्म हो गया है। तो अब हम इसमें फली डालेंगे। फली को हम गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा इसे नहीं फ्राई करना है, हल्का सा। जब इसका कलर चेंज हो जाए तब तक ही हम इसे फ्राई करेंगे। और गैस को हम एकदम लो में रखेंगे। तो ये देखिए, ये फ्राई हो गया है। अब हम इसे बर्तन में निकाल लेते हैं। और अब हम यहाँ पे डालेंगे थोड़े से लहसुन। लहसुन को आप हल्का सा क्रश कर लेना। किसी भी नमकीन बनाते समय आप लहसुन डालेंगे ना, तो उसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो आप लहसुन ज़रूर डालना। और हम इसमें डालेंगे करी पत्ता। करी पत्ता को भी क्रिस्पी होने तक इसे फ्राई कर लेंगे। तो ये फ्राई हो गया है। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर। हम इसमें डालेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक हम इसमें डालेंगे। डाल के इसे मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसमें मुरमुरा डालेंगे। मुरमुरा डालने के बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो मुरमुरा क्रिस्पी होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस आपको 1 मिनट इसे फ्राई करना है। ये देखिए, मुरमुरा तोड़कर देखेंगे तो ये मुरमुरा क्रिस्पी हो गया है, यानी कि परफेक्ट है। अब हम इसमें फली डाल देते हैं और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। और भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि सारे मसाले अच्छे से मुरमुरा में मिक्स हो जाए। मिर्ची पाउडर जो होता है, आप वो तेल में मत डालना। तेल में डालने से क्या होता है, जल जाता है। तो इसीलिए आप मिर्ची पाउडर बाद में डालना। तो ये देखिए, अच्छे से मिक्स हो गया है, यानी कि हमारा मुरमुरा रेडी हो गया है खाने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, गैस को ऑफ कर देंगे। ये मुरमुरा ना बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, और आप इसे 1 वीक तक स्टोर कर सकते हैं। आप इसे कभी भी सुबह में या फिर शाम में कभी भी इसे खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो आप भी घर पे इसे ज़रूर ट्राई करके देखना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।